कैलेंडर कहता है कि इस साल दिवाली नवंबर में है, लेकिन अपने आसपास किसी भी सिनेमा थिएटर चले जाइए, वहाँ सितंबर में ही दिवाली का माहौल बना हुआ है। दिवाली पर पटाखे फोड़ना वैसे तो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है, मगर बड़े पर्दे पर शाहरुख खान नाम के बिजली बम का फटना सिनेमा फैंस के दिलों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस बार शाहरुख खान ने वो धमाका किया है जिसकी आवाज आने वाले दिनों तक गूंजने वाली है। उनकी लेटेस्ट फिल्म जवान गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई और पहले ही दिन ने ढेर सारे रिकॉर्ड पलट दिए। जवान ने पहले दिन के बिजनेस से ही शाहरुख खान के स्टारडम की नई मीनार खड़ी कर दी है, जिसके अगल बगल पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। ये साल बॉलीवुड के लिए बड़ी हिट्स का साल है। साल की शुरुआत शाहरुख ने ही पठान जैसी ब्लॉकबस्टर के साथ की और हाल ही में सनी देओल की गदर 2 ने भी धमाकेदार बिजनेस किया। लेकिन जवान के लिए थिएटर्स में जो क्रेज नजर आया वो शायद इन दोनों फिल्मों के लिए भी नहीं था। सिंगल स्क्रीन हाउसफुल थे, मल्टीप्लेक्स थिएटर्स गुरुवार दोपहर तक शोज बढ़ाते रहे और शानदार एडवांस बुकिंग के बाद भी टिकट खिड़कियों पर लाइनें लगी रही। इस शानदार क्रेज के बदौलत जवान ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर डाली है। आइए बताते हैं जवान की ओपनिंग कलेक्शन और पहले ही दिन पीछे छूट चुके बड़े रिकॉर्ड। शाहरुख जैसा सुपरस्टार फिल्म में कुछ नया कर दे तो क्या हो सकता है, इसकी मिसाल जवान की कमियां बनने वाली है। गुरुवार को फिल्म की ओपनिंग के लिए 15 लाख से ज़्यादा टिकट तो एडवांस में ही बुक थे और इस टिकट सेल से फिल्म ने 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। लेकिन फिल्म का क्रेज इतना तगड़ा रहा कि पूरे दिन थिएटर्स में वॉकिंग दर्शकों की लाइन लगी रही। इस क्रेज का असर ये रहा कि जवान ने सिर्फ हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ओपनिंग ही नहीं जुटाई बल्कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया। ट्रेंड रिपोर्ट बताती है कि जवान ने पहले दिन सिर्फ भारत में ही 73 से 75 करोड़ रुपए की रेंज में नेट कलेक्शन किया है। अब तक हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक दिन की सबसे बड़ी कमाई पठान के नाम थी। शाहरुख की ही जनवरी रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 70 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। अब जवान ने पहले दिन की कमाई से इस रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जवान अब सबसे बड़ी ओपनिंग लाने वाली हिंदी फिल्म है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ हिंदी वर्जन से ही जवान ने पहले दिन 63 से 65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग है। इससे पहले पठान के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 55 करोड़ रुपए कमाए थे। पिछले साल ही हिंदी में सबसे बड़ी ओपनिंग लाने वाली KGF 2 अब अपने पहले दिन के 54 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर है। आमिर खान पहले बॉलीवुड सुपरस्टार थे जिनकी फिल्म को 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ओपनिंग मिली थी। उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने पहले दिन 52.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उनके बाद ये कमाल ऋतिक रोशन ने वॉर में किया और पहले दिन फिल्म की कमाई 53.35 करोड़ रही। इसी साल पठान के साथ शाहरुख ने पहली बार 50 करोड़ की ओपनिंग वाले क्लब में एंट्री ली। अब जवान के साथ शाहरुख बॉलीवुड ही नहीं अकेले इंडियन सुपरस्टार है जिनकी दो फिल्मों ने हिंदी में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ओपनिंग की है। शाहरुख का जलवा इस साल किस ऊंचाई को छू रहा है, इसका सबूत ये है कि उन्होंने दोनों बार 50 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग लाने का कमाल इसी साल किया है। विदेशों में जवान की एडवांस बुकिंग से ही ये इशारा मिल चुका था कि ये पहली भारतीय फिल्म हो सकती है जो ओवरसीज मार्केट में पहले दिन 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। भारत के बाहर हिंदी फिल्मों की कई बड़ी मार्केट में दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इन देशों में जिस तरह जवान की कमाई आगे बढ़ रही है उससे ये तय है कि पहले दिन फिल्म कम से कम 40 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन आराम से करेगी। भारत के बाहर हिंदी फिल्मों की कई बड़ी मार्केट में दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में हुई कमाई जोड़ने पर जवान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बड़े आराम से 130 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा। पठान का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 106 करोड़ रुपए था, यानी जवान की ओपनिंग से शाहरुख दूसरी बार वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेंगे। अब किंग खान पहले बॉलीवुड स्टार बनने जा रहे हैं जो दो बार ये कमाल करेगा। शाहरुख के अलावा अभी तक किसी भी बॉलीवुड स्टार को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की ओपनिंग नहीं मिली है। 2018 में जीरो की नाकामी के बाद शाहरुख 4 साल बड़े पर्दे से दूर थे। इस साल पठान से उन्होंने ऐसी धमाकेदार वापसी की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। अब जवान जैसी कमाई करने जा रही है उससे शाहरुख का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि बॉक्स ऑफिस पर उनके आसपास पहुंचना बाकी स्टार्स के लिए आसान चीज नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।